केमोन आछे कोलकाता, क्या हाल कोलकाता। कोलकाता आ गए हम, ईडन गार्डन पीछे दिख रहा है, गरिमा जी सामने खड़ी है। गरिमा जी, हम कोलकाता क्यों आए? ये कैसा सवाल है भैया आपको, कोलकाता क्यों आए? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखने। लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ऑफकोर्स अंदर जाने का कोई फ़ायदा तो होता है नहीं, है ना? ऐसे ही सिखा के, मतलब ऐसे ही कहते हैं मुझे सूरज जी कि यही बोलना है, अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बाहर लोगों से बात करो ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और बड़ा बढ़िया मुकाबला होने वाला है। इंडिया दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी है, इंडिया भी साउथ अफ्रीका भी, लेकिन अब कौन डेड रबर ना हो जाए ये मुकाबला ऐसे में। मतलब ठीक है, जो भी होगा होगा, लेकिन एक क्रैकर होगा जो भी होगा। साउथ अफ्रीका बहुत सारे रन बनाती है, और मैं आजकल में कुछ प्रीव्यूज भी पढ़ रही थी, ऐसे वो नोटिफिकेशन आती ना, तो आप देख लेते हो इंडिया साउथ अफ्रीका वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो उसमें लिखा था कि बहुत सारे रन बने, एकदम बैटिंग फ्रेंडली पिच है। रोहित शर्मा की सेंचुरी जो इतने टाइम से मतलब आई थी ना अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद एक दो मैचेस में लगा था कि यार श्रीलंका के खिलाफ बना देंगे, उससे पहले वाले मैच में बना देंगे। ईडन्स में, ईडन गार्डन्स, विराट कोहली का बर्थडे है जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके बर्थडे में कुछ 34 मिनट का वक्त बचा हुआ है। विराट कोहली के बर्थडे की जो तैयारियां थी उसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्या बदलाव है गरिमा? विराट कोहली के बर्थडे में बहुत सारी चीज़ें होनी थी ना, जैसे क्रैकर्स का इंतजाम कर रही थी कैब, इसके अलावा मास्क बटने वाले थे, उस तरीके से पूरा विराट विराट करने का प्लान था, लेकिन दो दिन पहले ही खबर आ गई थी कि ऐसा प्लान नहीं हो रहा है। लेकिन फैंस को पूरी उम्मीद है कि 49वां शतक जो है वो श्रीलंका के खिलाफ नहीं आ पाया, 12 रन से चूक गए थे, यहाँ ईडन्स में करना है। और ईडन्स में ना विराट के भी नंबर बहुत अच्छे हैं और रोहित शर्मा के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ईडन में कर तो लेंगे सेंचुरी, लेकिन उसके लिए चेज करना होगा, क्योंकि चेज करते हुए ही विराट बेस्ट होते हैं। मतलब देखो, ऐसा है कि चेज करते हुए भी कोशिश की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन हो नहीं पाई थी, तो ये सारी बहसें तो चलती रहेंगी कि... लेकिन चेज करेंगे तो साउथ अफ्रीका 400 बना देगा यार। लेकिन अब मतलब साउथ अफ्रीका तो डिफेंड भी कर लेता है ना, नहीं कर पाता डिफेंड। अच्छा, मतलब 400 बना देगा तो आसान तो हो ही जाता है, सॉरी चेज कर लेता है। देखो केशव महाराज कैसे खड़े रहे थे, मतलब एंड तक टिके रहे, मैच निकाल लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, किसने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या लग रहा है इस मैच में, क्या अगर टॉस हमारे पक्ष में जाता है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि साउथ अफ्रीका को चेज कराएं, या फिर उनकी स्ट्रेंथ पे जाते हुए हम चेज करें? मुझे पता है, अब लगता है कि ये सारी डिबेट ही खत्म हो गई है टीम इंडिया के ऊपर। मतलब हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना ब्रो, कि हमारे लिए ये था कि हमारी टीम तो चेज बहुत अच्छा कर लेती है, मतलब पहला टोटल कौन लगाता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब दो बार पहला टोटल लगा के अपने बॉलर से इतना अच्छा किया कि आपको अब इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। अब सारी चिंता जो है वो उनको करनी होगी, क्योंकि चेस करते टाइम भाई अगर आपके बैटर्स में ना केशव महाराज की बैटिंग आ रही है, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसे कोई वो नहीं, नो ऑफेंस, लेकिन अगर केशव महाराज की बैटिंग आ रही है तो प्लीज़, मतलब बुमराह है, सिराज है, मैच निकाल लेंगे। और शमी का तो ये होम ग्राउंड है, 3 मैच में 14 विकेट, क्या लग रहा है शमी फिर एक बार 4-5 विकेट ले रहे हैं कल? हाँ, मजा आएगा अगर ले लेते हैं तो। ठीक है, शमी, विराट कोहली, रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं, बुमराह, सिराज अच्छा करिए, लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरीके से फॉर्म में लौटे हैं, क्या लग रहा है? केकेआर के कैप्टन भी हैं। ओ भाई, मैं यही सोच रही थी, पता है कि श्रेयस के लिए तो मतलब यहाँ पे एकदम केकेआर कोरवो लोरवो जीतवो के अलग नारे लगेंगे और श्रेयस अय्यर को खूब सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैं ना थोड़ी सी ग्राउंड की बात करना चाहती थी, क्योंकि भाई हम गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने, हम गए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड देखने, तो उस टाइम ना मतलब हम जब रात को आते थे ना, चक्कर लगाते थे, तो एक हल्का हल्का क्राउड होता था। आपने देखी होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रीव्यू जब हमने रात को किया था, तो एक बहुत बढ़िया फैमिली मिली थी जो दिल्ली से आई थी। लेकिन अभी हम यहाँ पे ईडन गार्डन्स के बाहर, शायद लोग दिन में आएंगे, लेकिन अभी ना ऐसा कुछ वो जोश नहीं है। या तो वही आपने शुरू में बात कह दी थी ना कि डेड रबड़ है। हाँ, का एकदम सड़कें सुनसान है, उधर सारे गेट हमने घूम लिए, एक चक्कर लगा लिया ग्राउंड का, कोई नहीं मिला। 2-3 लोग मिले, वो भी लोकल से ही हैं, ऐसे टहलने निकले हैं जैसे लोग टहलने निकलते हैं खाना खाने के बाद। तो इसलिए जो है अभी तो कोई बस दिख नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है कल बस दिखेगा, क्योंकि कल डेड रबर हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि विराट कोहली आपके पास है, आपको उनकी 49वीं सेंचुरी देखनी है, आपको शमी से एक और बेहतरीन स्पेल देखना है, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो भी बस होगा आपको लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर और लल्लन टॉप पर देखने को मिलेगा। और मैं और गरिमा जी आपको और भी तमाम सारी कोशिश करेंगे कलकत्ता के अलग अलग रंगों से रूबरू करा पाएँ। पहली बार हम लोग भी कलकत्ता आए हैं, तो कोशिश करेंगे अपने कैमरे के थ्रू, अपने माइक के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ता दिखा दें। फिर आपसे मुलाकात होगी, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।